आम्ही नामदेव कांबळे जेएमएनयू ब्रेकिंग मध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जेएमएनयू बातमीपत्र। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाइन्स। वयाच्या 75 नंतर पंतप्रधान होता येतं का? भाजपची पक्ष संघटना काय सांगते? आम्ही घर आणि पक्ष फोडत नाही, फक्त संधी मिळाली तर ती सोडत नाही। फडणवीसांची विरोधकावर चौपेट टिकाव। माझ्या कुटुंबावरती हल्ला करण्याचा डाव रचला जातोय, मतदानापूर्वी जरांगेचा गंभीर आरोप। अरे आम्ही आमच्या कुठल्या तरी जाती जन्माला आलो, त्यात आमचा काय दोष? धनंजय मुंडे। अजितदादांनी तेव्हा धाडस दाखवलं नाही, आत्ता लंकेना दमदाटी करून काय उपयोग? बाळासाहेब थोरातांची खोचक टीका। हमारे सैन्य कानून के हिसाब से हमारे सामाजिक और धार्मिक जो भी है वो हर चीज को करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वो सैन्य कानून को खत्म करने जा रही है। इनका हर वक्त आप हमेशा भूम लो ना खड़े रहते हैं। नासिर भाई, भैया भूम लो भाई, सब सारी टीम, सरफराज भाई, पप्पू भाई हमारे, सिराज भाई आइए आगे, असलम भाई साइकिल वाले का स्वागत कर रहे हैं, कौशल भाई और संदीप जी का भी कौशल भाई ने स्वागत किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्षा ताई गायकवाड़ के चुनाव प्रचार एकदम बिल्कुल पूरे उत्तर मध्य मुंबई जिला के अंदर बड़े ही जोशों खरोशों चला चल रहा है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की सीमा के सरहद से पार गुजरात से सारे के सारे कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरा नेता आज गली मोहल्ले में उतर कर देश को बचाने की अपील कर रहे हैं। उनके वक्तव्य में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको मत कांग्रेस को नहीं देना है, आपको मत वर्षा ताई को नहीं देना है, आपको मत देना है 20 तारीख को आपको अपना वोट देना है देश के विकास के लिए, आपके अपने भविष्य के लिए। तमाम पार्टी सभी नेता इसी तरह, महागठबंधन के सभी लोग इसी तरह प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर भूतपूर्व भाजपा के ऐसे थे आरएसएस के इंद्रेश कुमार जिनके घर पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब दुखी होकर कांग्रेस में या समाजवादी में जाहिर प्रवेश किया, क्या कहना चाहेंगे आप अफजल भाई? कोई पार्टी में प्रवेश नहीं किया हो, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान खतरे में है, 400 पार का मतलब यही है, संविधान खतरे में है। संशोधन करके पार्लियामेंट में संविधान को बदल देंगे, इसलिए मैं उससे दुखी हो गए। समाज सेवा के लिए मानो भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गए, अब बहुत नाराज होंगे भारतीय जनता पार्टी। दोबारा जाएंगे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, संविधान खतरे में तो कैसे जा सकता हूँ मैं। चलिए एक स्थिति साफ हो गई है, अब सीधा चलते हैं पूर्व नगर सेवक समाजवादी पार्टी के। जैसा कि देख सकते हैं कि बिल्कुल समाजवादी का चुनाव चिन्ह साइकिल, एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, दोनों तरफ अखिलेश यादव जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इसक भाई मैंने देखा है कि बिल्कुल वार्डक्रमांक 64 के अंदर अपना पूरा जोर लगा के रखा है, क्या माहौल चल रहा है वार्डक्रमांक 64 के अंदर? बहुत ही अच्छा माहौल है, पूरे देश में अच्छा माहौल है। राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक का जो जनसंपर्क, जो मोहब्बत मिल रही है इस देश में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 400 का नारा उस तरफ है कहीं यहाँ ना पलट के हो जाए। देख ले, मतलब समाजवादी पार्टी ने वही कहा जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जी ने भी यही बात पिछले दिनों हमारे कैमरे पर कही थी, शायद आपने देखा होगा कि भले मोदी जी ने कहा है 400 पार, लेकिन इस बार कांग्रेस महागठबंधन 400 पार करने जा रही है। आज देखिए, आज संदीप जो आपने कल देखा होगा, आज यहाँ पर एक नए चेहरे और आ गए, लेकिन की शक्ल कहीं और मिलती हुई है। सरनेम का साइकिल वाला, असलम साइकिल वाले, लेकिन है कांग्रेस के पदाधिकारी। क्या कहेंगे असलम भाई, आपको भी आना पड़ा मुंबई के अंदर, उत्तर मध्य जिले के अंदर? देखो ये मुंबई नहीं, हम तो हमारे देश भावना में मानते हैं, और ये जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, अहंकार के खिलाफ सद्भाव की लड़ाई है। और उस लड़ाई को देखते हुए जो कट्टरवाद की भावना के सामने हमको प्रेम मोहब्बत की बात करनी है, उसके लिए हम यहाँ चुनाव में आए हैं। और 10 साल में जो अन्याय हुआ है गरीबों के साथ, श्रमिकों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, उसको न्याय दिलाने की भावना के साथ हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। गुजरात का क्या माहौल पहले बताइए, गुजरात जहाँ से आप आए हैं वहाँ की स्थिति कांग्रेस महागठबंधन की क्या है? देखो गुजरात बीजेपी का गढ़ कहलाता है, लेकिन मैं इस बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार वो गढ़ टूट चुका है, पूरी तरह टूट चुका है। और कम से कम कांग्रेस गुजरात के अंदर 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। गुजरात की स्थिति को साफ कर दी, 12 से 13 सीटों पर गुजरात में महागठबंधन जीतने जा रही है। संदीप जी, पूरे उत्तर मुंबई जिले के अंदर कांग्रेस के समर्थन में, वर्षा ताई समर्थन में आप वोट मांग रहे हैं,
दो दिन समय बचा हुआ है, परसों प्रचार थम जाएगा, इन दो दिनों के अंदर क्या लगता है स्थिति क्या लग रही है जिले के अंदर आपको सतह की? इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी ताकत झोंक दी है, और जिस तरह से कल आपके मन में जो संदेह था कि अभी प्रचार प्रसार में जितनी तेजी आनी चाहिए नहीं है, आज खुद आपने ऑफ कैमरे के ऊपर हमारे सामने कबूल किया कि स्थिति काफ़ी अच्छी होने जा रही है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले 3 दिन के अंदर माहौल ऑलरेडी बन चुका है, लोगों ने मन बना लिया है, और दिल्ली की गद्दी से भाजपा को निकालने का सबने थाम लिया है, और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली की गद्दी पे बैठने के लिए शपथ विधि करने की तैयारी कर रही होगी। पीएम कौन होगा महागठबंधन का अगर सरकार बनती है तो? पीएम कैंडिडेट जो है वो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता बैठ के तय करेंगे। जैसे कि संदीप जी अपनी बात रखी है, मन की भावना रखी, जैसे कल शुक्रवार कल महागठबंधन की महारैली होने जा रही है बीकेसी के बैंड्रा के अंदर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उद्धव साहब ठाकरे, शरद चंद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सभी महागठबंधन के बड़े बड़े कल चेहरा कल एक यहां पर सभा लेंगे, और बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि उस चीज़ को भी, उस नीच को भी हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज अभी के लिए बचते ही, मैं राजकुमार मिश्रा, टुडे फ्लैश न्यूज, जेएमए न्यूज। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।